नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, बात करेंगे 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी के संबंध में। दोस्तों, आए दिन इस वैकेंसी को लेकर यूट्यूब पर कम से कम 100 वीडियोस डेली डाली जा रही हैं, जिसमें आप लोगों को तरह तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं, तरह तरह के बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं और तरह तरह के आप लोगों को आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। ये वैकेंसी कल से शुरू होगी, सितंबर में शुरू होगी, अक्टूबर में शुरू होगी, दिसंबर में शुरू होगी। एक भाई साहब का काम है दिन में सुबह दोपहर शाम, यानी कि 3 से 4 बार आप उनके चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी को, 52,000 कांस्टेबल वाली वैकेंसी को दिन में 4 बार निकाल देते हैं भाई साहब। उनको कोई पता ही नहीं है, वीडियो को एडिट ऐसे करते हैं लगता है कि वाकई में रियल वीडियो होगी, ठीक है, और थंबनेल कुछ अच्छा टाइप का बनाते हैं और आप लोगों को दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी पर ही देखते हैं, ठीक है। और पब्लिक उनकी वीडियो देखती भी है, ऐसा नहीं है उनकी वीडियो नहीं देखती, कॉमेंट भी ऑन रखते हैं कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, वो तो कमेंट भी लोग उस पर करते हैं, तरह तरह के कमेंट मैंने उनकी वीडियो पर देखे हैं। और शायद बेस्ट मोटिवेशनल कुछ ऐसा नाम है शायद उनका, बेस्ट मोटिवेशनल कुछ यूट्यूब चैनल का नाम है, आगे मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहूँगा और ना ही मैं भाई उनको पर्सनली कुछ कहना चाहूँगा। काम बढ़िया है, अच्छा है, जब पब्लिक आप लोगों को देख रही है तो भी काम करने में कोई बुराई भी नहीं है, तो करिए भाई। लेकिन 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी दिन में 3 से 4 बार निकल जाना, क्या ये अच्छी बात रहेगी? 97,000 लोगों को रोज़गार, 4 लाख लोगों को रोज़गार, वीडियो खोलते निकलता कुछ उसमें है नहीं। तो भाई मैं आप लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूँ, भाई झूठ बोलने वाली बात कुछ भी नहीं है। 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी के लिए चाहे वो कितना ही बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, किसी के पास में कोई सूचना नहीं है, इतना मैं कह रहा हूँ पक्के दावे के साथ। हाँ, कटिंग ज़रूर आई है कुछ पेपर की, कुछ नई कटिंग भी आई हैं, ठीक है, छोटी मोटी, छोटी मोटी, वो भी न्यूज़पेपर वालों ने ही डाल दिया है। अधिकारियों की तरफ से कोई बयान इस वैकेंसी के संबंध में नहीं है। कोशिश की भी थी हमने इसके बारे में कुछ जानने की, तह तक पहुंचने की, कई बार हमने कॉल भी की है सीएम आवास में, लेकिन वहां से कॉल उठाकर बस इतना कह के हमारी कॉल को कट कर दिया जाता है कि ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहें, विजिट करते रहें, कब तक विजिट करें, ठीक है। इस वैकेंसी के लिए किसी के पास में कोई भी जवाब नहीं है, ये चुनावी वैकेंसी साबित होगी। हो सकता है योगी सरकार इसे निकाल दे और हो सकता है योगी सरकार इसे ना भी निकाले, वैसे कंडीशन तो दिखाई ये दे रही है कि ये वैकेंसी ना निकालें, ठीक है, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो और सरप्राइज़ के तौर पर आप लोगों को ये वैकेंसी मिल जाए। ये वैकेंसी 52,000 कांस्टेबल यदि आई तो सरप्राइज़ ही हो सकता है आप लोगों के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर सितंबर की बात करें तो आप लोगों को पता है आज लगभग 19th of September तुम्हारा अगस्त हो गया है, सितंबर के आने में कुछ दिन शेष रह गए हैं। तो जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोर्स बेचने वाले, मैं साफ साफ कहूँगा कोर्स बेचने वाले, जिन्हें बस कोर्स बेचना आता है, कुछ और करना नहीं आता है, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए खड़े नहीं हो सकते वो, ठीक है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं सभी, अरे बच्चों के लिए खड़े हो जाओ, यूट्यूब चैनल तो तभी चलाएंगे। लेकिन आप लोगों का उन्हें पता है कि आप लोग उनके बहकाई में आ जाते हैं, आप लोग उनकी चतराई में आ जाते हैं। कम से कम एक वैकेंसी 52,000 कांस्टेबल के लिए अब तक वो 4 से 4 बार कोर्स बेच चुके हैं अपने, उनको क्या है, आप लोग पैसे दे रहे हैं उनको, पैसे दे रहे हैं आप लोगों, आप लोग बहकाए में आ रहे हैं, उनके बहकाए में आइए, ठीक है। 2019 से एक भाई साहब का काम है, 2019 से आप लोगों को बहका रखा है कि भाई 2019 से अब आइए आपके लिए 52,000 वैकेंसी, जून में आ जाएगी, जनवरी में आ जाएगी, ठीक है, सितंबर में आपके लिए वैकेंसी आ जाएगी। अरे भाई साहब, पहले वैकेंसी तो आ जाने दो, कोर्स जब ही चला लेना, कोर्स आप जब भी बेच लेना, इस पब्लिक को क्यों पागल बना के इसकी जेब से पैसा ऐंठ रहे हो, पैसा खींच रहे हो और अपनी जेबें भर रहे हो। आप लोगों के लिए मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोग कैसे पैसा दे रहे हैं, बेरोज़गार हैं, कहाँ से पैसा आप लोगों के पास आ रहा है, कोई सोचना नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना इन लोगों को। केवल क्या सोचना, केवल बस यही सोचना कि भाई कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। अब ये वैकेंसी का बहाना नहीं लेंगे आप लोगों से तो आप लोग कोर्स कैसे खरीदेंगे फिर इनके, अगर कोर्स नहीं खरीदेंगे तो ये लोग कैसे कमाएंगे,
ठीक है, ये सब बहानेबाजी हैं, ये सब कोर्स बेचने के तरीके होते हैं। 2019 से 2021 आ गया, कई बार कोर्स बिच गए हैं और भी बिच जाएंगे अभी तो एक आध बार, लेकिन वैकेंसी के लिए खड़े होकर ये नहीं लगाया जा रहा भी आगे आओ बड़े यूट्यूबर, तुम बड़े यूट्यूबर हो, तुम पब्लिक ने बड़े यूट्यूबर बनाए हो, भाई हम छोटे हैं, हालांकि हम भी किसी से पीछे नहीं हैं, आप लोग सहयोग करो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल सभी के साथ हैं, ठीक है। तो भी हम बड़े YouTube चैनल वाले नहीं हैं, आप लोग बड़े YouTube चैनल वाले हैं, आप उठें बच्चों के साथ आएँ, कभी रोज़गार दीजिए सरकार के साथ में, थोड़ा ट्विटर वगैरह अभियान चलाएं, जो जो अच्छे विचार लगते हैं उस तरीके के चलाएं, कोर्स को छोड़ दें, कोर्स को बेचना छोड़ दें, कोर्स बेचना छोड़ दें, कोर्स बेच जाएगा आप लोगों का, अभ्यर्थी खरीद लेंगे, बहुत खरीदेंगे जब आप लोग मतलब कोर्स बेचना शुरू करेंगे इसके लिए, वैकेंसी के लिए जब आ जाएगी तभी तो कोर्स बेचोगे, या फिर पब्लिक की जेब से वैसे पैसा निकलवा रहे हो, अरे अभ्यर्थियों के साथ आओ, ठीक है, जो पुरानी वैकेंसी कंप्लीट ना हो पाई है उन्हें कंप्लीट करवाने में उनकी मदद करो, जो नई वैकेंसी नहीं आ रही है उन्हें नई वैकेंसी निकलवाने में मदद करो, काफ़ी सारी वैकेंसीज रुकी पड़ी हैं, आ जाएंगी तो यूट्यूब पर आप लोगों की और भी वाहवाही हो जाएगी, कोर्स अच्छा बेच जाएगा फिर आपका, ठीक है। लेकिन जब उन्हें पता है कि पागल वैसे ही बहकाए में आ जाते हैं तो क्यों अपना सिर में दर्द कर रहा है, देख ना रहे, मतलब देख भी तो रहे हैं आप लोग, ऐसे ही काम चल रहा, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, जब पता है कि पागल हैं जैसे बहकाता हूँ वैसे बहक जाते हैं, तो बहको भैया, बहको, खूब बहको, अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है। दोस्तों जो आप लोगों को सही शिक्षा देगा ना, ईमानदारी की बात यही है भाई, सच्चाई की राह बहुत मुश्किल होती है। अब हमारा कोर्स बेचने का काम नहीं है, जो दो चार चार छः पैसे कमा लेते हैं बस यही है, आप लोगों को कुछ सुझाव देकर, ठीक है, इसी तरीके से कमा लेते हैं, हमारे पास कोर्स बेचने का कोई काम नहीं है। और थोड़ा बहुत आपको ये बता देते हैं भाई, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसकी बात ठीक है, उसकी बात गलत है, उसकी बात सही है, ठीक है, ये हम आप लोगों को बता देते हैं 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी के संबंध में। हालांकि मैं भी डेली वेज एक वीडियो डाल देता हूँ, वो इसलिए डाल देता हूँ, कभी मैंने ये नहीं बोला होगा अभी आपसे कि 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी आएगी, जो लोग दूसरे झूठ बहकाते हैं ना, मैं उनसे आप लोगों की परवरिश के लिए, कभी आप लोग उनसे बचें, आप लोग उनसे बचें, इसलिए मैं भी इस पर एक वीडियो डाल देता हूँ। मैं ये नहीं कहता भाई 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी, लेकिन चांस भी तो होने चाहिए। अगर कोई वैकेंसी आती है ना तो उसका बहुत पहले से पता चल जाता है, लगभग एक दो महीने से पहले पता चल ही जाता है भाई अब वैकेंसी आने वाली है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही भाई बिल्कुल एक साथ ही आ जाएगी कि कल ऐलान कर दिया और परसों से आवेदन शुरू और परसों से नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेप्टेम्बर में इस भर्ती को लेकर मंत्रणा है, सितंबर में इसका कुछ हो सकता है कि भाई इसके लिए सरकार बैठकर कैबिनेट में भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और भी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वहां पर आएंगे, सभी के साथ में कुछ बोर्ड बैठक करे, वैकेंसी को निकाले, तो हो सकता है वैकेंसी आपके लिए सितंबर में आ जाए। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग इस वैकेंसी के बारे में काफ़ी दिन से अपने कोर्स बेच रहे हैं, भैया उन कोर्सों को बेचना बंद कर दो और अपना थोड़ा सा इस वैकेंसी में आ जाओ। 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी आ जाएगी तो साल 2018 के बाद में 3 साल हो गई, अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई, थोड़ी सी बच्चों की मदद कर दो, अच्छा रहेगा, ठीक है, आप लोगों का कोर्स और भी अच्छा बिक जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, थैंक यू, बाय बाय।